हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे पिरामिड्स ऑफ गीजा के बारे में और ढूंढेंगे कुछ सवालों के जवाब, जैसे कि ये पिरामिड्स किसके लिए बनाए गए थे और ये पिरामिड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आखिर इन पिरामिड्स के अंदर क्या है और इन्हें बनाया कैसे गया। आज हम मिलकर इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे, तो चलिए पता लगाते हैं। ये पिरामिड्स गीजा प्लेटू पर हैं, जो कि नाइल रिवर के वेस्ट साइड पर है। कई लोग समझते हैं कि ये जो जगह थी जहाँ पे ये पिरामिड्स बने थे, वो एक एंशियंट शहर था जहाँ पे राजा लोग राज करते थे, लेकिन नहीं, ये सिर्फ फैरोस के कब्र हैं। एंशियंट इजिप्ट के रूलर्स को फैरो कहा जाता था। ये पिरामिड उन फैरोस के लिए थे, उनके मरने के बाद उन्हें इन्हीं पिरामिड्स में दफनाया जाता था। इन पिरामिड्स के आसपास जो खंडर हैं, वहाँ पे वो वर्कर्स रहते थे जो ये पिरामिड्स बना रहे थे। अब सवाल आता है कि ये पिरामिड्स आखिर किसके लिए बनाए गए थे। ये पिरामिड्स रॉयल टूम्स थे जो कि 3 अलग अलग फेरोज के लिए बनाए गए थे। नॉर्दर्न मोस्ट पिरामिड बनाया गया था खूफू के लिए, जो कि 4th डायनेस्टी का दूसरा किंग था। ये पिरामिड तीनों पिरामिड्स में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा है, और बीच वाला पिरामिड बनाया गया था खाफरे के लिए, जो कि 4th डायनेस्टी का 8वां राजा था। और जो सदर्न मोस्ट और आखिरी पिरामिड है, वो बनाया गया था मेनकोर के लिए, जो कि 4th डायनेस्टी का 5वां राजा था। ये तीनों पिरामिड्स में से सबसे छोटा पिरामिड है। इन पिरामिड्स को अंदर और बाहर से पूरी तरह लूट लिया गया था एंशियंट और मेडिवल पीरियड में, इसलिए इन पिरामिड्स में से कीमती चीजें गायब हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, इन पिरामिड्स को पूरी तरह से स्मूथ वाइट लाइमस्टोन से कवर किया गया था, लेकिन उसे भी चुरा चुरा के खत्म कर दिया। अब सिर्फ सबसे बड़े पिरामिड के टॉप मोस्ट पोर्शन पे लाइमस्टोन केसिंग देखने को मिलती है। अब आते हैं अगले सवाल पे कि ये पिरामिड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। हिस्टोरियंस अभी भी इस बात पर डिबेट कर रहे हैं कि इन रॉयल टूम्स को पिरामिड के शेप का क्यों बनाया गया। एक थियरी ये है कि ये पिरामिड्स एक तरह की सीढ़ी हैं, जो कि फेरोस को स्वर्ग तक पहुंचाने में मदद करती हैं, या सिंपली ये बस एक क्रिएशन हो सकता है, या फिर ये सिंबलाइज करता है कि सूरज की किरणें जमीन पर पड़ रही हैं। जो भी हो, लेकिन हिस्टोरियंस अभी भी श्योर नहीं है कि ये पिरामिड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अब सवाल आता है कि इन पिरामिड्स के अंदर क्या है। इन पिरामिड्स के अंदर एक रास्ता है जो कि बरियल चेम्बर्स तक जाता है, जहाँ पे डेड बॉडीज को ताबूत के अंदर बंद करके रखा जाता है। खूफू के पिरामिड में तो अंडरग्राउंड टनल्स भी पाए गए हैं, और बरियल चेम्बर तो पिरामिड के बीचों बीच मौजूद है, पिरामिड के एकदम सेंटर में है। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को अंदर से कोई ट्रेजर या कीमती चीज नहीं मिली। उनका मानना है कि वहाँ पे जितनी भी कीमती चीजें थी, वो सब चुरा ली गई थी। यहाँ तक कि ममीज भी नहीं मिली उन पिरामिड से। इनफैक्ट पिरामिड्स के अंदर जो डेकोरेशंस की गई थी, वो उन पिरामिड्स को कंस्ट्रक्ट करने के काफी सेंचुरीज बाद बनाई गई थी। अब अगला सवाल आता है कि ये पिरामिड्स को आखिर बनाया कैसे गया। इसका अभी तक एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला। कहते हैं बहुत सारे वर्कर्स की मदद से बड़े बड़े पत्थरों को स्लेजेस, रोलर्स और लेवर्स की मदद से खींच कर लाते थे, और उन पत्थरों को एक के ऊपर एक रख कर ये पिरामिड बनाया गया। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि एक पिरामिड को बनाने में कम से कम 20,000 वर्कर्स लगे होंगे। गीजा प्लेटू पर एक और स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसके ऊपर कई किस्से और कहानियां हैं, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही वो बेल आइकन भी दबा दीजिए। इससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।